नमस्कार, मेरा नाम राहुल तिवारी है और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों पर बयान देते हुए केंद्र खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पूछा है कि पहलवानों के पीछे कौन है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने खेलों का बजट 878 करोड़ से बढ़ाकर 2782 करोड़ कर दिया है। सरकार खेलो इंडिया जैसे योजनाएं चला रही है। खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि पहलवान खेल को नुकसान ना पहुंचाएं। उन्होंने जांच पूरी होने तक इंतजार करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि जांच नियम के अनुसार होगी और खिलाड़ियों को जांच पर भरोसा करना चाहिए। देखिए, खिलाड़ियों ने जो बातें की, तो सबसे पहली बात तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जहां एक और खेलों का बजट 874 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2782 करोड़ रुपए से ज्यादा, खेलो इंडिया जैसी योजनाएं लेकर, टॉप जैसी स्कीम के कारण पोडियम तक पहुंचने का अवसर मिले, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, कोई कमी किसी खिलाड़ी के प्रशिक्षण में नहीं रखी गई, 300 बड़े खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में बनाए जा रहे हैं जो लगभग 2700 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे हैं, ये सब खिलाड़ियों की जो उम्मीदें हैं उनसे ज्यादा करने का हमने काम एक प्रयास सा हम अभी हम और करना चाहते हैं। भारत को खेलों के क्षेत्र में और मजबूत बनाना चाहते हैं, लेकिन जहां तक खिलाड़ियों की मांग, कुछ खिलाड़ियों की मांग तो रेसलिंग के क्षेत्र में, उन्होंने जब कहा कि उनके साथ गलत व्यवहार हुआ तो कमेटी का गठन किया, उनसे चर्चा करके रात के 2 बजे इसकी घोषणा, कमेटी के मेंबर्स बनाए गए, उन्होंने एडिशन करने के वो भी किया, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, निष्पक्ष जांच, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की, सुप्रीम कोर्ट तक गए तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ने केस सुन के फिर मैजिस्ट्रेट तक जाने के लिए कहा, जो जो कहा हर गोल पोस्ट अगली बार अगला गोल पोस्ट होता चल गया, हमने कहीं पे कोई कमी नहीं, खुले मन के साथ खुले विचारों के साथ उनकी बात सुनी भी गई, जांच भी पुलिस कर रही है, और देश भर में आप 75 साल का इतिहास उठाकर देखिए कभी भी कोई ऐसी रिपोर्ट, कोई भी ऐसी आरोप लगते हैं तो जांच होती है, जांच होने के बाद उचित कार्रवाई होती है, तो जांच पूरी होने दीजिए, आप प्रदर्शन अगर आपको नहीं लगता आप उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट पे, पुलिस पे, खेल विभाग पे, किसी पे विश्वास तो करना पड़ेगा। हम भी चाहते हैं खिलाड़ियों ने जो बात उठाई है उसकी निष्पक्ष जांच हो और जांच के बाद उचित कार्रवाई, पुलिस जांच कर रही है, जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए, कोई कदम ऐसा नहीं उठाना चाहिए जिससे किसी और खिलाड़ी को और खेलों को और इस पूरे राजनीतिक दलों को, मैं इतना ही कहूंगा, खिलाड़ियों ने स्वयं कहा था जनवरी महीने में ये प्लेटफॉर्म राजनीति करने के लिए नहीं है और किसी राजनीतिक दल को चाहते भी नहीं, लेकिन बाद में राजनीतिक दलों का, ट्रेड यूनियन का, कईयों का आना जाना हुआ, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता इस मंच पे कौन कौन आया, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा मेरे प्रिय खिलाड़ियों, आपको दिल्ली पुलिस की जांच का इंतजार करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहकर FIR दर्ज की है और उचित यही होगा कि आप जब तक ये जांच पूरी ना हो तब तक इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं जिससे खेल या किसी खिलाड़ी या किसी को कोई ठेस पहुंचे। हम सब खेल और खिलाड़ियों के पक्ष में, हम सब खेलों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश में खेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है, न केवल बजट बल्कि उपलब्धियां भी बढ़ी है। उनकी यह टिप्पणी तब आई है जब साक्षी मलिक, विनय फोगाट, बजरंग पुनिया सहित देश के शीर्ष पहलवान मंगलवार को गंगा नदी में अपने पूरे देश भर के समर्थकों के साथ उत्तराखंड की हर की पौड़ी पहुंचे, लेकिन खाप पंचायतें और किसान नेताओं ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। प्रदर्शनकारी पहलवान सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं जिन पर कई महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न का आरोप है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।